KFC ने लॉन्च किया अपना एक खुद का कंसोल। OnePlus लॉन्च कर रहा है उनका नया स्मार्ट वॉच इन अर्ली 2021। Apple अपनी खुद की कार पे काम कर रहा है। Xiaomi उनका नया फोन लेके आने वाले हैं विदाउट द चार्जर इन द बॉक्स। We are the True Tech Dudes and ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज। Welcome back to another episode of WTN. I know कि थोड़ा सा चेंज लग रहा है, खाली खाली इसके घर पे एक्चुअली चोरी हुई है तो है कुछ सीन्स, ये एक्सप्लेन करेगा अपने चैनल पे। तो थोड़े से चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं हम एंड इसीलिए शायद मिड लास्ट वीक भी नहीं आई थी वीडियो एंड इस वीक भी मिड वीक का थोड़ा सीन हो सकता है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू get the you know like videos rolling on schedule. तो हम लोग try करेंगे कि इसको background को थोड़ा change करते हैं। अभी के लिए काफी basic है, यहाँ पे हमने अपना वो रखा हुआ है wallpaper जो पहले था, but we'll try setting it up थोड़ा better बनाने के लिए आप लोगों के लिए, but even we think कि minimal थोड़ा better लग रहा है। And also हाँ, जो लोग बहुत wait कर रहे हैं, see कि यहाँ पे भी comments आ रहे हैं 2Tech Dudes के channel पे of me coming back, I'll be coming back sometime this week hopefully. मेरा जो भी PC का जो मेरे को करना था वो हो गया है, बस मेरे को एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जस्ट टू गेट बैक ऑन टू यूट्यूब। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा ऑन माई चैनल एंड या 2Tech Dudes भी पूरा नॉर्मल आ जाएगा, 2 GB हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, ये बहुत जल्दी वापस आने वाला। मैं हूं ना, मेरे को देख लो मेरे चैनल पर, तो चांस अंदर उठ देखो मेरे चैनल पे। एंड हां, हम तो अपने अपने चैनल पे सब कुछ बता देंगे व्हाट बीइंग गोइंग ऑन एंड चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद न्यूज़। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे is KFC ने कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था when PS5 and Xbox Series X went क्या बोलते हैं release हुए था जून में, तभी KFC ने ट्वीट किया था कि हाँ KF console मतलब KFC console is going to release, so that was just us thinking कि हाँ joke कर रहे हैं, they just riding the hype train, मतलब खुद को market कर रहे हैं, लेकिन they've come out with their own console now. KFC on soul is real. तो basically क्या है कि in partnership with Cooler Master जो PC cases and all बनाता है, उन्होंने एक console बनाया है which is basically a PC only and उसमें Intel का top CPU है, Asus का एक mini GPU है and NVMe के दो NVMe 1TB SSDs है, एक pretty powerful, कोई भी PC game almost चल जाएगा उसपे। Also उसमें एक chicken chamber है apparently it's meant to keep your food warm. सही है, मतलब खाते ही सबसे खेलते खेलते बड़ी बड़ी तो होती है मेरा खाना ना ठंडा हो जाएगा। I think the C in the console is chamber. तो OnePlus ने का भी बहुत अमेजिंग रूमर आया, मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। जैसे हमने बोला आई थिंक थोड़े हफ्ते पहले बात की थी इसकी, एक रूमर ऑफ अ वॉच जो OnePlus बनाने वाला है एंड ये 4 साल पहले का हमने आपको एक ट्वीट दिखाया था, बट अभी पीट लाओ जो CEO है OnePlus का, उसने कंफर्म कर दिया कि OnePlus इज ब्रिंगिंग अ स्मार्ट वॉच इन 2021 एंड लेटली OnePlus की सारे एक्सेसरीज इतने ज्यादा अच्छे रहे, उनका पावर बैंक, उनके ईयरफोन्स, उनके न्यू ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स आए हैं, उसका बाय द वे एक रिव्यू आने वाला है OnePlus बड्स का काफी जल्दी, तो वो भी सब कुछ काफी अच्छा रहा है। एंड नाउ OnePlus की वॉच अगर आएगी तो मेरे को लगता है ये लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। दे हैव ब्रॉट थोड़े डिसेंटली प्राइस प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं एंड मेरे को एक चीज है बस कि वॉच होपफुली सर्कल स्क्रीन वाली हो एंड नॉट स्क्वायर, बट हो सकती है बिकॉज जैसे OnePlus बड्स का भी उन लोगों ने काफी एयरपॉड जैसा डिजाइन रखा है, तो मे बी OnePlus जो OnePlus से वही एप्पल वॉच वाला डिजाइन रखे, लेट्स सी क्या होता है। बट ये आ रहा है मोस्टली इन मार्च विद OnePlus 9 एंड OnePlus 9 Pro Max। MediaTek has officially overtaken Qualcomm as the world's largest chipset vendor. तो मिड रेंज स्मार्टफोन्स में मोस्टली MediaTek के चिपसेट्स जाते हैं एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनमें मिड रेंज स्मार्टफोन्स का काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा मार्केट है एंड यू नो $100 to $250 का जो रेंज है। जो लोग नए स्मार्टफोन्स लेते हैं लाइक हु स्टार्ट ऑफ विथ स्मार्टफोन्स जनरली इस प्राइस रेंज में आता है, तो इस मार्केट की काफ़ी ग्रोथ हुई है इन रीसेंट ईयर्स। Qualcomm currently holds 29% while MediaTek holds 31% of the market. Okay, that's pretty good. तो Apple ने इस साल जब iPhone 12 और 12 वाला लाइनअप निकाला था तो काफी कंट्रोवर्शियल चीज की थी उन्होंने कि चार्जर और ईयरफोन लोगों ने बॉक्स से निकाल दिए थे एंड इसके अराउंड काफी लोगों ने बहुत जोक्स क्रैक किए थे, लोगों ने तो किए थे, कंपनी से भी जोक्स क्रैक किए थे उस टाइम पे एंड बट हमको ये सबको पता है कि Apple कुछ भी करता है तो बाकी कंपनीज को फॉलो करना ही होता है एंड अकॉर्डिंग टू आईसी न्यूज़ ऑन ट्विटर Xiaomi ने भी अभी अपना डिसीजन ले लिया, दे हैव अनाउंस कि वो लोग अपने बॉक्स से चार्जर और ईयरफोन्स निकालने वाले हैं एंड Xiaomi अगर आपको याद है उन लोगों ने भी किया था ऐसा कुछ, उस टाइम पोस्ट निकाला था
तो जो भी Xiaomi का न्यू आएगा फोन, कौन सा Xiaomi Mi 11 वाली जो भी सीरीज है, उसमें आपको ना चार्जर मिलने वाला है ना ईयरफोन्स मिलने वाले हैं. एंड ऑल्सो अपेरेंटली जितने भी इन लोगों ने पोस्ट डाले थे अबाउट मॉकिंग देम, तो Samsung एंड Xiaomi दोनों ने अपने सारे पोस्ट निकाल दिए. तो शायद Samsung का भी S21 या फिर मे बी जो एंड ऑफ द ईयर में लाइनअप आएगा उसका, उसमें चार्जर और ईयरफोन्स नहीं आएंगे. ये अगर मतलब बाद में निकालना है तो पहले जो के बनाते हैं, क्या चाहते हैं कि हाँ जब तक अगला नहीं निकलता तब तक ये वाले बिक जाएंगे. अभी रिसेंटली एप्पल ने उनके नए मैक सिस्टम्स अनवील किए थे विद द न्यू M1 प्रोसेसर एंड ARM आर्किटेक्चर. तो काफ़ी सारे रिव्यूज है YouTube पे ऑलरेडी उसके ऊपर, एंड काफ़ी सारे जो YouTube क्रिएटर्स थे उन्होंने कोशिश की Adobe Premiere Pro और बाकी Adobe के ऐप्स यूज़ करने के, लेकिन सिंस इट वॉज रनिंग ऑन एमुलेशन जो उनका Rosetta 2 प्रोग्राम है, तो काफ़ी सारे ऐप्स हो रहे थे क्रैश, कुछ कुछ लैग हो रहे थे बिकॉज इट इज़ नॉट नेटिवली मेड फॉर ARM आर्किटेक्चर. लेकिन अभी Adobe हैज कम आउट विद द बीटा ऑफ Adobe Premiere Pro विच विल रन नेटिवली ऑन द ARM आर्किटेक्चर. तो सर्टन कोडेक्स को प्रेफर करता है एंड ऑफकोर्स लैग नहीं होना चाहिए, बट इट इज स्टिल इन बीटा, तो टाइम लगेगा आने में. एंड जब भी ऑफिशियली आएगा तो इट विल रन क्लोजर टू द फाइनल कट प्रो एंड जो एप्पल के नेटिव ऐप्स है. ओके, तो हम लोग आपको थोड़े हफ्ते से बता रहे हैं गाइस बड्स प्रो के बारे में जो आने वाले S21 लाइनअप के साथ. तो हमने अभी तक उसका डिस्कस कर लिया कि इट विल हैव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, उसकी कलर्स कौन से कौन से आने वाले हैं, पर्पल ब्लैक एंड सिल्वर आई थिंक, नॉट श्योर मुझे भी याद नहीं, बट हाँ हमने आपको थोड़े लास्ट में बताया. अभी और थोड़े से और रूमर्स आए हैं उसके, एक तो IPX7 वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है, वो कस्टमाइजेबल टच कंट्रोल्स आएंगे उसके एंड इट विल लॉन्च एट $199. तो ये है एक्चुअली $30 मोर देन जो बर्ड्स लाइक थे इनके प्रीवियस वाले फ्लैगशिप ईयरबड्स, बट अभी भी $50 चीपर है देन द AirPods Pro. तो अगर इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कहीं भी आसपास अगर अच्छा है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड डील. बट बैटरी लाइफ थोड़ी डिक्रीज हुई है फ्रॉम द बर्ड्स प्लस जो थे लास्ट के, बट आई गेस व्हाट एक्सपेक्टेड है बिकॉज़ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन थोड़ा बैटरी खाता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का. S21 होने वाला है लॉन्च इन जनवरी एंड कुछ कुछ रीजंस में वो आने वाला है विद द स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जो स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट चिपसेट है एंड मोस्टली इन यूरोप एंड एशिया जैसे रेगुलरली होता है. It will come with the Exynos 2100 chipset. So, like basically Exynos 2100 अभी तक निकला नहीं है. It is the rumored name. Let's see, वो भी जनवरी में ही आने वाला है. And जितने Geekbench के leaks हैं, leaks scores हैं, उसके हिसाब से they're performing pretty neck to neck. आसपास ही है दोनों के scores and patch by patch दोनों ही improve हो रहे हैं. तो it will be pretty interesting to see कि actually जब launch होते हैं तो दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं. इट विल बी प्रीटी क्लोज एंड लाइक इट इज़ फाइनली गुड टू सी कि दिस इज गोइंग टू बी क्लोज, क्योंकि पास्ट कुछ ईयर्स में Exynos हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी पुअरली कंपेयर टू द स्नैपड्रैगन. तो एप्पल ने एक तो ये पॉलिसी या कुछ पता नहीं कुछ रोल आउट करना स्टार्ट किया ऑफ लोअरिंग द फीस ऑफ स्मॉल बिजनेस ऐप डेवलपर्स. तो हम लोग काफी अच्छी डिस्कस करें कर चुके हैं कि एपिक और जो भी जितने इनके लॉ सूट्स आए हैं ऑन एप्पल फॉर लोअरिंग दिस, तो एटलीस्ट आई थिंक एक स्टार्टिंग इनिशिएटिव है ये टू लोअर इट फॉर जो भी बिजनेस डेवलपर्स जो $1 million अ ईयर से काम कमाते हैं. जनवरी न्यू ईयर में स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तब से उसके बाद से जितने भी ऐप परचेजेस हैं एंड इन ऐप परचेजेस हैं दोनों विल हैव टू बी खाली 15% देना पड़ेगा उनको कट. यूजली बाकी डेवलपर्स के लिए 30% कट है, तो फिर सब कुछ स्टार्ट में लगता है. ओके, सो इट सीम्स कि जितने इश्यूज आते हैं सब साथ में आते हैं, और हमारा जो माइक है उसकी बैटरी खत्म हो गई थी व्हाइल रिकॉर्डिंग द लास्ट दो न्यूज वाले पार्ट एंड आर आउट्रो, तो इजीली मेरे को ये वाला पार्ट शूट करना पड़ रहा है अभी. तो लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट टू न्यूज. एप्पल इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2024. तो ये न्यूज काफी टाइम से चल रही है एंड लाइक काफी फेक रूमर्स एंड बेसिकली बकवास न्यूज बहुत टाइम से आ रही है कि हाँ एप्पल गाड़ी बना रहा है, ऐसी होगी वैसी होगी. कुछ कुछ तो इमेजेस भी घूम रहे थे इंटरनेट पे विच वॉज फेक, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी. लेकिन रिसेंटली रॉयटर्स के एक रिपोर्ट में आया था कि
2024 is the earliest that Apple would be releasing their own vehicle. And since Reuters में आया है, थोड़ी सी credibility है उसमें, तो you never know. उसमें लिखा था कि गाड़ी पे LiDAR sensors भी होंगे, मतलब जो depth sensing sensors होते हैं, to you know sense the surroundings and all, since it might also be a self-driving car. You never know. अभी तक ये वाला report भी एकदम हल्के में लो, उतना कोई seriously लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Apple से एक गाड़ी expect करना is pretty much unlikely as of now. But let's see what happens. And so for the last news of the day, Samsung is going to be holding an event on 6th of January, जहाँ पे they're going to be revealing the future of the display, जैसे वो लोग कह रहे हैं. तो इस इवेंट पे हम शायद देख सकते हैं फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग स्क्रीन्स, बट इट विल बी मेनली फोकस्ड ऑन माइक्रो एंड मिनी एलईडीज. तो क्वांटम मिनी एलईडी डिस्प्लेज आर गोना बी रिलीज्ड, व्हिच माइट फीचर ओलेड लेवल के ब्लैक्स विदाउट द यू नो लो ब्राइटनेस जो ओलेड में यूजुअली होता है, एंड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्क्रीन बर्न इन, जो ओलेड की प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ टाइम बाद यू नो चीज़ें बस रह जाती है ऑन द स्क्रीन, उसको बर्न इन इश्यूज कहते हैं. तो होपफुली ये दोनों सीन्स नहीं होंगे इन द क्वांटम मिनी एलईडीज एंड माइक्रो एंड मिनी एलईडी डिस्प्लेस जो सैमसंग दिखाने वाला है. मोस्टली इट विल बी कमिंग ऑन टीवीज फर्स्ट, क्योंकि इट इज अपेरेंटली ईजियर टू इम्प्लीमेंट इट ऑन बिगर स्क्रीन रादर देन स्मॉलर डिवाइसेज. तो टीवीज पे पहले दिखाया जाएगा, एंड होपफुली देयर माइट बी प्रोटोटाइप्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स विद मिनी एंड माइक्रो एलईडी डिस्प्लेस. तो प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि कैसे होने वाला है इवेंट 6th ऑफ जनवरी. लेट्स सी. एंड दैट वाज इट. अनफॉर्चुनेटली जोरो नहीं है अभी मेरे साथ ये शूट करने के लिए, बट दैट वाज इट फॉर द WTN इस हफ्ते के. हम मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले मतलब अगले मंडे को विद द अगले हफ्ते की टेक न्यूज. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो. एंड अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है रिगार्डिंग एनी टेक प्रोडक्ट्स या कुछ भी आपको पूछना है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स, या फिर यू कैन राइट टू अस एट द टू टेक डूड्स ऑन ट्विटर. एंड हाँ, हमारे पर्सनल चैनल्स दोनों के चेक कर लो, नीचे होंगे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. एंड मैं निकलता हूँ, जरूर भी निकल ही रहा होगा. सो पीस.